exclusive report. करके जब भी लीजिएगा ऐसे लीजिएगा, देखिए ठीक है ऐसे। नहीं नहीं हो गया, ले लेते हैं। रेलवे ट्रक दिखना चाहिए। छेटू का भी ले लीजिए। रियल आपके वीडियो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को जो 1986 के तहत वहाँ से भगाया गया था और कहा गया था कि घर पीछे एक के सर्विस मिलेगा, और उस आंदोलन को हम लोग 2006 से जब लड़ना स्टार्ट किए तो यहाँ तक कि ये इस प्लांट के अंदर हम लोग को मेहनत करने से यानी रोजी रोटी कमाने से भी ये लोग इनकार कर रहा है। और जब हम लोग धरना पर यहाँ पर बैठने आए हैं तो उन लोगों का सीधा कहना है कि तुम लोग यहाँ पर बैठो या बैठ के यहाँ पर मर जाओ, हमको तुम लोग से कोई मतलब नहीं है। जब भी प्रतिनिधि आते हैं यही बात बोल के वो चले जाते हैं और हम लोग पे ऊपर कड़ा अत्याचार हो रहा है। 1986 में जब इसमें जमीन लिया गया था, जिसमें बातें हुई थी, उसमें क्या क्या बातें हुई? उस समय बात हुआ था कि घर पीछे एक नौकरी मिलेगा जो अस्थाई नौकरी होता है, हर घर पीछे जितना भी लोग हैं सबको सर्विस मिलेगा। लेकिन वो उस समय एग्रीमेंट करके वो पीछे हट गए। जब वो कुछ आदमी को मिला जो उसमें से जिसका आदमी का पहुंच था उनको मिला, और जो लोग गरीब तबके के लोग थे उनको ऐसे ही बहला फुसला करके उनको छोड़ दिया गया। और जब हम लोग आज तैयार हुए उस कानून को देखे, हम लोग अपने अधिकार को पहचाने, जब हम लोग आंदोलन करने आए 2006 में, तो हम लोगों को प्लांट में एक ठेकेदार के थ्रू काम करने के लिए दे दिया गया, जिसमें हम लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उसमें भिड़े और कुछ कमाए भी। और जो हम लोग के बेरोजगार भाई बचे हुए हैं हम लोग उनके लिए भी आए यहाँ पे आंदोलन करने के, भाई उनको भी रोजी रोटी दीजिए। तो उन लोगों का सीधा कहना है कि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा प्रावधान है नहीं, आपको यहाँ रहना है, जितना दिन हड़ताल करना है कीजिए, और जब आपका मन चाहे चले जाइए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अगर मांगे पूरी नहीं होगा क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तो हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा हम इसी प्रकार धरना पर बैठे रहेंगे एकदम शांति सुरक्षा से। हम लोग किसी का कोई न तोड़ फोड़, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, हम लोग के बगल में रखा हुआ है खिचड़ा, देखती बंद रहा है, हम लोग खा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जफर है। क्या हम लोग का सर एक ही मांग है जो कि हम लोग का 20 प्लांट में घर है और किसी का जमीन सिर्फ दिया है तो उसको नौकरी दिया है, और हम लोग का तो चूल्हा समेत लेकर के एक पहाड़ी भूमि में हम लोग को बसा दिया गया है। जो अभी तक हम लोग NTPC प्रबंधक से एक ही मांग है कि आप जिसका जगह जमीन लिए हैं, और हम लोग एक गृहिण भूविस्थापित है जो कि उसको एक कट्ठा जमीन का दूसरा कुछ नहीं है, और सभी गृहिण भूविस्थापित का और इर्द गिर्द जितने भी व्यक्ति का जमीन लिया गया है उस सभी को परमानेंट नौकरी NTPC महाप्रबंधक को देना होगा, नहीं तो हम लोग इसे इसके पीछे कुछ नहीं मानने वाले हैं। सभी बाल बच्चा मिल करके 8 तारीख से हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं रहेगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इतने हमको कहना है। और इससे पहले जो कभी यहाँ पे और भी प्रोटेस्ट किए होंगे जी, मांग अपनी रखे होंगे यहाँ पे, तो क्या किस तरह के बातें क्या? बस सिर्फ हमको हमारा जमीन नहीं है, हमको नौकरी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लोग क्या कहते हैं? वो लोग का वही अफसर 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 सही राज है NTPC का प्रबंधक का, और कुछ इसमें यहाँ कुछ दलाल चमचा प्रबंधक रखे हुए हैं जो कुछ को छोड़ करके हम लोग को ड्रोन धमकाउन। आज जब हम लोग शांतिपूर्वक आए तो आज भी कुछ गुंडा NTPC वहाँ प्रबंधक ने भेजा और हमारे माँ बहन के साथ में गलत व्यवहार किया, धक्का मुक्की, कुछ भाई को हमारा मार भी लगा, उसमें भी हम लोग सहन किए हैं, और अभी तक NTPC वहाँ प्रबंधक ये चुतिया को झलक नहीं रहा है जिसका इसका अति हुआ है। अभी तक हम लोग स्थिर है शांति पूर्वक से। यहाँ का जो नेता है सांसद है विधायक है क्या वो लोग आते हैं कभी? नहीं, कभी ना। हम लोग तो आज तक गरीब को तो यहाँ कोई गरीब को तो आज तक कोई यहाँ नेता MP विधायक कोई देखबे नहीं करता है। जहाँ है जब चुनाव होता है उस समय किस तरह का मूवमेंट रहता है नेताओं का? चुनाव का मूवमेंट आता है तो सभी वोट मोल जाता है, हम अच्छा है आपका, हम काम करेंगे आपका, पार्लियामेंट तक हम बात पहुँचाएंगे। पर आज तक कोई MP हम लोग का एक ही MP ऐसा था
शहनवाज हुसैन जो कि हम लोग का बात संसद में उठाया है और वही एक ऐसा एमपीए उठा करके हम लोग का बात मुद्दा को वहाँ चढ़ा है और अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है क्योंकि गरीब मजदूर भाई का वो मुद्दा लेकर के कोई बात करे या वर्णन करे कोई कुछ है। मेरा नाम है विनोद कुमार पासवान। विनोद पासवान आरसी है सर। अस्थायी नौकरी का मांग है ठीक है। बार बार 1986 के बाद यानी कि हम उस समय तो हम लोग छोटे थे ठीक है। जब हमको होश आया 2006 से जब इससे मांगने लगे सिर्फ आश्वासन देता है कि नौकरी देंगे 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 लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ नौकरी नहीं दिया और कुछ एनटीपीसी प्रबंधक ने पहले 10-12 आदमी को भेजा हम लोगों को मारने के लिए सवेरे सवेरे और 1-2 फाइट मारा भी हमको ठीक है। लेकिन एनटीपीसी को अभी तक कुछ नहीं रोका। प्रबंधन प्रशासन के सामने में भी मारा हमको प्रशासन कुछ नहीं बोला। आपकी मांग पूरा नहीं करेगा क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम इस जगह धरे रहेंगे सर और यहाँ पे धरनों पे बैठल रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश मंडल है।